मेरा डॉक्टर इरफान अंसारी उर्फ पप्पू प्यार से बोल रहे हैं। पप्पू कैसे बोल रहे हैं? प्यार से प्यार से बोल रहे हैं। तो अब देखिए, आपको फेकू बोलूं? अब देखिए, आई हमारे आगे है आज चाचा का भेंट। फेकू फेकू फेकू। अच्छा, चाचा का भेंट कराते भतीजा से। देखिए, हाँ ठीक है, हम तो बहुत प्रशंसा किया। भानु आपके भतीजा हैं। भानु जी और इनके देखिए बहुत अंतर है ना होगा भाई, बहुत अंतर है इनमें और भानु में। अच्छा, ये सब हैं, ये बोली की मार मारते हैं। हाँ। उनको कल्चर नहीं मालूम, उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। भाजपा में आके हाईजैक कर लेंगे, उनको हटा देंगे, इनको साइड कर लेंगे, इनको ये बर्दाश्त करेगा कोई क्या? भाजपा में मेरिट की कोई जगह नहीं है। ये होंगे, मुझे गर्व होगा, ये होंगे विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष। इनको बनाऊंगा, बनना चाहिए, इनको जगह मिलना चाहिए। बताइए, पूरा उम्र दे दिए पार्टी में, पूरा जीवन, मतलब बताइए साहब। और इनके साथ नाइंसाफी नहीं, हंसी मजाक मत कीजिए, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। पार्टी के सबसे वफादार नेता हैं ये, इतना गाली देते हैं हिंदू मुसलमान को, मजबूत से आए हैं, लेकिन इनको पाले जी है, कहाँ लड़ाई लगवा। नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि ये कद्दावर नेता हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से मैं कहूँगा कि इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। और ये रहेंगे, ये रहेंगे तो निश्चित तौर पर सदन भी अच्छा चलेगा और एक डिसिप्लिन होगा। जिस तरह से ये लोग व्यवहार करता है, मैं पूछ ही नहीं से मैं बोल रहा हूँ, ये स्पीकर रहे हैं। अगर ये स्पीकर होते, हमारे स्पीकर महोदय इतना शालीन है, जो चाहे बेचारा मनाते रहते हैं उन लोग को, ये रहते तो अब तक हम लोग सस्पेंड कर दिए होते, गेट आउट। आपको आज भाव कर दिए पूरा, नहीं भाई देखिए ऐसा है, जब भतीजा है तो भावुक तो करेगा, स्वाभाविक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इससे? नहीं, नेता प्रतिपक्ष से दिक्कत है, हम चाह रहे कि ये आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता। अरे भैया देखिए, ना हमको मुख्यमंत्री बनना है और ना हमको नेता प्रतिपक्ष बनना है। या तो जनता तय करती है या पार्टी तय करती है। जनता ने तय कर दिया और पार्टी को मैं मानता हूँ कि पार्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। देश के बाद पार्टी, और पार्टी के बाद तब मेरा स्थान आता है, ठीक है? इसलिए सब बातें खत्म कीजिए, ये सब बदले बनाने वाला बात खत्म। बोल रहे कि बीजेपी में अनुशासनहीन लोग है, आप रहिएगा तो छोड़िए। हम चाहते, सुनिए, हमें खुशी तब होगी जब इनको सम्मान मिले। जिंदगी भर भाजपा के लिए इन लोगों ने ईंट सीट बजाने का काम किया है, झंडा ढोया है। आज कहाँ से आ रहे भाई? बाबूलाल मरांडी कहाँ से, रणधीर सिंह कहाँ से, भानु कहाँ से, ग्रीड क्या नाम है? अब देखिए, मान लीजिए इनको सम्मान मिलना इनके चाहिए। इनके पिताजी जिंदगी भर कांग्रेसी रहे, टिकट नहीं दिया। उनका बेटा मेरा डॉक्टर इरफान अंसारी उर्फ पप्पू, प्यार से बोल रहे हैं। पप्पू कैसे बोल रहे हैं? प्यार से तो अब देखिए, आपको फेकू बोलूं? अब देखिए इनको जो है मंत्री नहीं बनाया। अरे भाई, स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा? जो डॉक्टरी जानता हो, डॉक्टरी की पढ़ाई किया हो, MBBS किया हो, उसको नहीं बना के बना दिए किसी और को। तो मुझे आपत्ति नहीं, इनके पार्टी का अंदर का मामला है भैया, इन लोग जाने, उन लोग का काम जाने। लेकिन योग्य तो व्यक्ति है ही, मंत्री की योग्यता रखता है, लेकिन साइड कर दिया इसको। और फिर भी दहाड़ते रहता है कि साहब यदि हमारी सरकार रहेगी, पारा टीचरों का 50,000 वेतन नहीं दिलवाया तो इस्तीफा दे देना। अभी बोलेंगे कि नहीं तो मेरे मोबाइल में कहिए तो निकाल के सुनवा दे। मान रहे कि बोलेंगे। देखिए पारा, देखिए एक बार, देखिए हमारे पारा को हम लोगों ने सम्मान दिया, पैसा नहीं सम्मान चाहिए। आप सुनिए, 50 सम्मान चाहिए। आज
देखिए आज सुनिए, हम लोगों ने पारा हटा दिया, सहायक कर दिया। सुने सुने, आप गोली मत मारिए पारा को, गोली मार मार के आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। चलिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे को एम्पावरमेंट कर रहे हैं, वो उनके आला कमान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये उनके कर रहे हैं। चाचा भतीजा का रिश्ता है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। शुक्रिया। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in